हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इंद्रप्रीत सिंह और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ नया ब्लॉग। और आज आपका चैनल पे मेरे स्वागत है इन्वेस्ट डायरेक्ट ब्लॉग्स में। आज मैं आपको गोल्फ कोर्स रोड की सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी पॉश कॉलोनी में बढ़िया लोकेशन पे आपको एक चीज़ दिखाऊंगा जिस पे आज चलना पर साइकिल पे पड़ेगा। आइए चलते हैं, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इंद्रप्रीत सिंह, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट डायरेक्ट। आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो एक नई लोकेशन, नई प्रॉपर्टी और नया पूरा फोकस के साथ। और आज जो प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ वो गलेरिया मार्केट के ठीक पास में और DLF फेज 4 के अंदर प्रॉपर्टी एक नंबर है। साइज़ 360 स्क्वायर यार्ड का साइज़ है और इसमें जो सारी डिटेलिंग है वो एक बार मैं पूरा विजिट करते हुए आपको दिखाता हूँ। वेलकम बैक। और आज ये हम प्रॉपर्टी में पहुंच गए हैं। ये 4 बेडरूम 4 3 वॉशरूम और ड्राइंग डाइनिंग। और सबसे बड़ा इसमें खासियत जो मुझे लगी है, एक वाइब सी है और सॉबर है प्रॉपर्टी। मैं इसमें हल्का सा अट्रैक्शन जो बता दूँ इसकी, पूरे घर पे इटालियन मार्बल है, बेडरूम में भी मार्बल है, कहीं टाइल्स का काम सबसे कम हो रखा है, सिर्फ वॉशरूम्स में टाइल्स का काम है ज़्यादा और किचन में है। उसके अलावा डाइनिंग में और मास्टर बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग है जो इसके टेस्ट को एक हल्की सी फील देगा। आइए मैं आपको घर की पूरी लुक दिखाता हूँ। आइए, ये आपका एंट्री पे ये डाइनिंग पार्ट आता है। आप इस वॉल को चाहें रिमूव कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसमें एक पिलर है वो अगर हो सकता है, अगर आपको बड़ा वॉल करना चाहते हो वाइफ के लिए तो ये चीज़ मेरी बात हुई है और ये चीज़ हो सकती है। पर ये डाइनिंग है, साथ में डाइनिंग है और एंट्री में आपको ये साइड पे आप देखें तो पूरा किचन है, काफ़ी बढ़िया किचन है। और इसमें वुडन का काम, ये सनमाइका है इसमें, हाँ, और वुडन का काम ठीक हो रखा है। और ये कॉम्प्रेस मार्बल है, वाइट ग्रे कलर के टेक्सचर में है, वाइट एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन। और वो टाइलों में भी हमें हाइलाइटेड नज़र आ रहा है, टाइल्स के अंदर भी वाइट के अंदर ग्रे कलर के ग्रेन्स हैं, हल्के हल्के टेक्सचर आ रहे हैं, ये फील। इसमें कॉलर की फिटिंग्स हैं, अगर देखें तो बहुत हाई एंड प्रीमियम ब्रांड है कॉलर की फिटिंग्स हैं। और सिंक जायना का सिंक है। अब आइए मैं आपको इसमें, ओके, ये एलाइका का है और अभी इसमें चिमनी प्रोवाइडेड होगी, अभी लगी नहीं है, वो भी एलाइका की है, आजकल आती है ना टिल्ट वाली, उस ऑटो सेक्शन वाली। और इसमें जो फिटिंग्स हैं वो हैं होम केयर की, ये ब्रांड है होम केयर, अच्छे चैनल हैं, सॉफ्ट क्लोजर्स हैं सारी जगह, ओके इसमें, ओके ये भी एलाइका का है। ये एक्स्ट्रा स्पेस के लिए है, बस एक यहाँ पे इसमें स्टोरेज के लिए एक जगह आपके और होना चाहिए था जिसे आपकी स्टोरेज बढ़ा दी। ये रेफ्रिजरेटर का एरिया है। अब यहाँ से जो फील आता है, यहाँ से ड्राइंग और डाइनिंग आपके दोनों विजिबल हैं। अब ये कुछ क्लाइंट्स को बहुत अच्छा भी लग सकता है, ये कुछ क्लाइंट को कुछ ऑब्जेक्शन भी हो सकते हैं, बट ये भी बहुत बढ़िया सेंटर्ड में है, दोनों की तरफ बैलेंस करा हुआ है। और ये आप कहें दिस इज ये कॉमन भी है, अटैच भी है कॉमन के अंदर। इसकी टाइलों की वाइब बड़ी अच्छी है, पर आप देखिए टाइल्स की वाइब बड़ी अच्छी है, टाइल्स काफी अच्छी लगी हुई है, मार्बल टेक्सचर की टाइल्स हैं, ये है टाइल्स, ये मार्बल नहीं है। और अमेरिकन स्टैंडर्ड की फिटिंग्स लगी हुई है, अमेरिकन स्टैंडर्ड है। अब अमेरिकन स्टैंडर्ड कौन सा, हैवल्स के पूरा गीजर है, हैवल्स के ग्लास पार्टीशन है, सेपरेट किया हुआ है जो पानी का जो स्पेस, हाँ जी अमेरिकन स्टैंडर्ड, इसका मतलब पूरे घर में अमेरिकन स्टैंडर्ड की फिटिंग्स लगी हुई है। वैनिटी जो है वो छोटी सी वैनिटी है, सिंपल है, फिलिप्स का इधर आपको ये देखा है, इसके डोर्स भी अच्छे हैं बट ये बोर्ड के हैं, अगर मैं बात करूँ ये बोर्ड के डोर्स हैं,
इनके ऊपर सनमाइका पेस्ट है, ये कहीं थोड़ी सी है इसमें, नहीं तो बाकी बहुत अच्छा है। ये पूरे इटालियन देखिए आप इसके अंदर, ये हम पहले बेडरूम में है, ये पहला बेडरूम है। इस पहले बेडरूम के अंदर हम देखें तो स्पेस काफी अच्छा है और इटालियन मार्बल है। और ये वॉशरूम के लिए जाने का स्पेस, जहां से भी आए ये उधर से उधर वाले लॉक लगा हुआ है। ये आपकी वार्डरोब्स, इसमें काम फैन ल्यूमिनस के फैन है और फॉल सीलिंग का बड़ा अच्छा काम है, सिंपल फॉल सीलिंग, सिंपल फॉल सीलिंग है। ये चैनल है, इसमें जाली का भी है जो से कहते हैं ना इसके मॉस्किटोज के लिए प्रोटेक्शन के लिए। और ये दो, और ये बालकनी है, काफ़ी बड़ी है और तकरीबन तीन तीन छः फीट की बालकनी है, सिक्स फीट की बालकनी। बेडरूम और ड्राइंग के कॉमन बालकनी है, दोनों के साथ अटैच है, कंबाइंड है। और हम एक बार चलते हैं इसको और दूसरे बेडरूम में। इस लॉबी का ये जो बेनिफिट है, आप एंट्री करते ही कि आपके घर में दो मिनट के लिए तीन मिनट की कोई विजिट करने आता है, लेट सपोज कोई कोरियर है, कोई दूध वाला है, कोई भी नेसेसिटी जो एसेंशियल्स चीज़ें लेके आते हैं, तो आप उनको दो से तीन मिनट में ही आप उनको फ्री कर सकते हैं, तो वो आपके पूरे घर की प्राइवेसी मेंटेन रहती है। अब हम देखते हैं इसका जो मेन एक मुझे अच्छा लगा जो है वुडन फ्लोरिंग का काम किया हुआ मास्टर बेडरूम के अंदर। एक बार मैं आइए मैं उसकी विजिट करूँगा। आप अगर इस बेडरूम के अंदर एंटर करते हैं तो आपको हल्का सा ब्राउन कलर थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, जो मुझे ब्राउन कलर की जो फील आ रही है, पूरा घर काफ़ी बढ़िया है, वाइट और ब्राउन कलर के टेक्सचर के साथ है, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा किया हुआ है। ये कॉफी कलर है, ये वाइट है, अगेन ब्राउन थोड़ा सा, पर यह कि मास्टर बेडरूम की वाइफ है क्योंकि काफ़ी वाइट हो, काफ़ी बड़ा बेडरूम है। इसके अंदर सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट है रनिंग क्लोज़ेट है, वार्डरोब तो देखो काफ़ी स्पेस है, फोर डोर्स की आपका सेक्शन है इनमें वुडन का वार्डरोब्स का। ये आपकी पीछे की बालकनी है, आप उसमें देखिए रनिंग बालकनी है, ये भी काफी वाइड है, ये भी अगेन 6 फीट वाइड है पीछे से भी। ये सबसे बेडरूम के साथ अटैच्ड है, तो ये दो बेडरूम्स के साथ अभी जॉइंट है। और मैं अभी दोबारा भी लेके चलते हैं, अभी इंटरनल लगते हैं, बाद में लास्ट में आते हैं इस पॉइंट के ऊपर भी। ये इसका मास्टर बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम है, सेम वही फिटिंग्स हैं सारी, अमेरिकन स्टैंडर्ड की फिटिंग्स हैं सारी, अगेन अमेरिकन स्टैंडर्ड सारा, डब्ल्यू सी बी आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड का। टाइल्स पर बड़ा अच्छा काम हुआ है, इस पूरे घर में टाइल्स का काफ़ी अच्छा काम हुआ है। ड्राइंग रूम में इटालियन का काम अच्छा है, सारे बेडरूम्स में इटालियन का काम बहुत अच्छा है, टाइल्स को भी बड़ी अच्छी प्लेसमेंट मिली हुई है। जो कलर कॉम्बिनेशन है टाइल्स का, मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन है, चॉकलेटी कलर के अंदर, और ये वैरायटी बड़ी अच्छी है। अगर आप देखें काफ़ी स्टाइलिश वैरायटी है, अगेन आपका वॉशिंग का सारा जो अपना बाथिंग एरिया बिल्कुल अलग से रखा हुआ है इन्होंने। पर इसमें ना बस पूरे घर में मुझे जो लगता है कि डोर्स में थोड़ा सा इन्होंने हल्का काम किया हुआ है, और वो इतना बड़ी चीज़ें नहीं है जब आप देख रहे हो, क्योंकि प्राइस का भी फैक्टर है, प्रॉपर्टी के और भी फैक्टर्स मैटर करते हैं। पर प्रॉपर्टी के ओवरऑल अगर मैं देखूं रेटिंग तो बहुत अच्छा है, डिसेंट प्रॉपर्टी है। प्राइसिंग भी बहुत अच्छा एक फैक्टर है, जिसमें फोर बेडरूम 360 स्क्वायर यार्ड में, मुझे लगता नहीं कि शायद 215-220 के अंदर आपको इस प्राइस में कहीं मिलेगा। तो एक बार हम फिर दोबारा, मैं आपको एक बार इसका थर्ड बेडरूम और फोर्थ बेडरूम दिखाता हूँ, आइए। अब हम चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम में, इसमें विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं कंपेयर करूँ मास्टर बेडरूम के अंदर वेंटिलेशन का थोड़ा सा था कि उसमें नेचुरल लाइट के लिए आपको डोर ओपन करना ही पड़ेगा, यहाँ पे आपको नेचुरल लाइट बहुत अच्छी तरीके से मिलती है। ये आपके लिए विंडो है, उसके बाद ये डोर है। इनमें सिर्फ एक दिक्कत है, इसमें यहाँ पे आपके जो कहते हैं ना मॉस्किटो वाले जो डोर्स हैं, जो
वो मिसिंग है कहीं, बट ये ओवरऑल पूरा बेडरूम काफ़ी अच्छा है। वुडन टेक्सचर की आपकी जो फॉल सीलिंग हो रखी है वुडन टेक्सचर में, और ये आपकी वार्डरोब्स, टू डोर वार्डरोब्स हैं आपकी। अब इसके मार्बल को देखो, मार्बल को देखो, काफ़ी पूरे घर पे टाइलिंग का काम जो किया हुआ है ना, यही एक पूरे घर की मेरे को ना फील लेके आ जाता है। काम बड़ा प्यारा किया हुआ है वुड में, मार्बल में, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। इस घर की काफ़ी अच्छी वाइब इससे क्रिएट होती है। देखिए इतना बढ़िया घर बनाने के बाद वुडन में ना दरवाज़ा, हालांकि नज़र आ गया आपको, ये लकड़ी का लगा हुआ है, बोर्ड का नहीं है, पर नो डाउट आपको लकड़ी के काम में और थोड़ा सा सोचना चाहिए था, बट नो डाउट। अगेन टाइल्स का तो यार जवाब नहीं है, टाइल्स का जवाब नहीं है, टाइल्स का जवाब नहीं है भाई साहब। बस यहाँ पे छोटी सी जॉइंट में कमी, छोटी छोटी चीज़ें ना, इतना बढ़िया बढ़िया घर बनाने के बाद, हालांकि हो सकता है कि पहले दूसरी कंस्ट्रक्शन ना हो उनकी, बट नो डाउट टाइल्स में बहुत अच्छा काम किया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो कंट्रास्ट है टाइलों की, जो चॉइस है बहुत अच्छी है, और इन्होंने पूरे घर में अमेरिकन स्टैंडर्ड की लगाए हुए हैं फिटिंग्स, WC फिटिंग्स, एवरीथिंग जो है ना अमेरिकन स्टैंडर्ड का है सब कुछ उनका। अभी आता है फोर्थ बेडरूम, एंट्री पे ही 3 doors का आपका क्लोजेट है। अगर यहाँ पे उन्होंने स्लाइडिंग किया होता तो स्पेस आपको और अच्छा मिलता था, मैंने स्लाइडिंग पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, पर ओवरऑल देखा जाए तो तकरीबन 10x10 का रूम है, सबसे छोटा रूम है, पर ठीक है 3 bedroom, और आप इसको स्टडी तो नहीं कहूँगा, मैं इसको 4 bedroom ही समझूंगा क्योंकि इसके साथ वॉशरूम अटैच है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। ये वही वॉशरूम है जो 3rd bedroom के साथ था, तो ये अंदर से अटैच्ड है। आइए इसमें हम इसका रिव्यू एक बार दोबारा लेते हैं प्रॉपर तरीके से ना, घर की विजिट तो पूरी हो गई है। इसके जो स्विच बोर्ड है क्रैब ट्री के स्विचेस हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लिविंग रूम है, ये पूरा ड्राइव, ये प्रॉपर है। अगर आप इस तरीके से इसकी वाइब देखें तो इसमें कलर्स में इसके अंदर जो है पर्पल कलर है, लाइट पर्पल कलर है, वाइट और लाइट पर्पल कलर का कॉम्बिनेशन है। शैंडलियर बड़ा अच्छा लगा हुआ है, चाइनीज वाला है, और ये रिमोट वाले ल्यूमिनस के फैंस हैं। इटालियन मार्बल है, काफ़ी बढ़िया पॉलिश कलर है, ग्रेस एक से ग्रेस मिल रही है, ये काफ़ी टफ होता है, ग्रेस मिल रहे हैं, ज्वाइंट्स का पता नहीं चल रहा है, ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है डिज़ाइन, इसको ग्रेस को कवर करके बनाया है, और ये आपने छोटी छोटी यूनिट्स के लिए डिज़ाइनिंग के लिए बनाई है। ये जो वॉल थी, मुझे ऐसा लगता है कि इस वॉल का यहाँ पे काम नहीं था, इस वॉल को अगर ये हटा दें, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि पिलर है, तो ये वॉल अगर हट जाएगी तो ये लिविंग और ड्राइंग का फील ही अलग हो जाएगा। कोई कमी नहीं है इसमें, लोग बल्कि वॉल करवाते हैं, बट यहाँ पे ऑलरेडी हो रखी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पेस और खुला खुला लगता। तो आइए मैं आपको इसका डाइनिंग दिखा रहा हूँ। ये डाइनिंग है, वुडन है, ऊपर वुडन के साथ कॉम्बिनेशन दे रखा है, नीचे भी वुडन का काम हुआ है, और फॉल सीलिंग में भी वुडन का है, नीचे भी वुडन का काम है देखिए, और फॉल सीलिंग में भी वुडन का काम हुआ है, काफी अच्छा है। अगर आप इधर से देखेंगे तो ये घर का 50% जो एरिया है वो पूरे का पूरा वाइड ओपन है, जो डाइनिंग लिविंग और एक बेडरूम के साथ निकल जाता है और किचन के साथ। अब हम इसके दूसरे साइड पे चलते हैं जो आता है अगेन, ये लॉबी है, ये एंट्री लॉबी है। अगर आप इसको फील करो, यहाँ से आपकी घर की एंट्रेंस है, आप एंटर करते हैं, ये आपको एक वाइड लॉबी है। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपका पूरा घर विजिबल नहीं हो रहा। हम बैक यार्ड वाली बालकनी में हैं, काफ़ी स्पेस है, 6 feet वाइड है, और इसमें वाइब तो बहुत अच्छी आ रही है, बट एक 4 bedroom मुझे काफ़ी छोटा लगा, क्योंकि 360 square yard का जो साइज़ है उसके अंदर ये स्पेस और निकल सकता था, बट इन्होंने लिविंग और डाइनिंग के अंदर वो स्पेस ज़्यादा लगाया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैनेजेबल है, और 4 bedroom कभी बहुत कम यूज़ होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि
इसके अंदर काफ़ी अच्छा काम हुआ हुआ है, पर जो वाइब है वो एक बार, जो वाइब है वो एक बार इसकी प्रॉपर तरीके से रिव्यू लेके ही आएगी, वो मुझे देखना है कि एक बार इसका टेरिस पे क्या है। अब हम इसके टॉप फ्लोर पे हैं जो फोर्थ फ्लोर है। मैं आपको इसकी वाइब जो दिखाना चाह रहा था, अब मुझे लगा कि यार इस प्रॉपर्टी में क्यों स्पेस या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो वो मुझे अब ऊपर टॉप फ्लोर पे आके समझ आई कि इसमें एंट्री करते ही ये है डाइनिंग पार्ट और इसे हम ड्राइंग समझो। उसका रीज़न क्या है कि इन्होंने हाफ टेरेस ओपन रखा हुआ है। ये जो वाइब है यही इस प्रॉपर्टी की वाइब क्रिएट कर देता है। एक बार मैं आपको बाहर जाके इसका व्यू निकलवाता हूँ, दिखाता हूँ सारा। सामने वो गलेरिया है, सामने गलेरिया अगर देखें वो देखो, वो सामने गलेरिया मार्केट है। क्या व्यू आ रहा है गोल्फ कोर्स रोड का, हाई राइज का, ग्रीनरी सारा, बहुत बढ़िया वाइब आ रही है, पॉजिटिव वाइब आ रही है। अब इसमें बेनिफिट क्या है, इसमें इस एरिया को आप फ्यूचरिस्टिक कवर कर सकते हो और ये 3 बेडरूम और 2 वॉशरूम और ड्राइंग डाइनिंग के साथ है। इसका प्राइस भी बहुत रीजनेबल है। मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं, मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगा और इसी वीडियो में लास्ट में इसका प्राइस बताऊंगा, नीचे वाले फ्लोर्स और ऊपर वाले फ्लोर्स का कि प्राइस क्या है। आइए मैं चलते हैं, मैं एक बार पूरी विजिट कराता हूं पूरे घर की। और अब मुझे फील आ रहा है कि यार ये अगर किसी को प्राइस के अंदर दिक्कत हो, डीएलएफ जैसी प्रॉपर्टी में लेना चाह रहा है, डीएलएफ फेज 4 फेज 1 आसपास के सराउंडिंग में, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। क्योंकि मेरे पास काफ़ी रिक्वायरमेंट आती है कि टॉप फ्लोर चाहिए। ये टॉप फ्लोर, इसमें बेनिफिट क्या है कि आप ड्राइंग रूम से ओपननेस का फील लो सकते हो और आपको पूरे घर का 3 बेडरूम 3 BHK का टूर करा रहा हूँ। ये मास्टर बेडरूम, आप एंट्री करते ही मास्टर बेडरूम, मैं लाइट्स ऑन करता हूँ। ये अगेन टाइल बहुत अच्छे लग रहे हैं पूरे घर पे, अगर आप देखें तो टाइल का काफ़ी अच्छा यूज़ है। अगेन ये वही चीज़ है, नीचे जैसे क्लोजर था ये काफ़ी बड़ा स्पेशियस, वुडन फ्लोरिंग काफ़ी अच्छी लग रही है, ऊपर वुडन का काम काफ़ी और अच्छा वर्क रखा है। ये एक्चुअली पैनल्स हैं, ये PVC पैनल्स हैं जो वुडन टेक्सचर के हैं। और मैं भी आपको इसकी बालकनी जो पीछे के साथ अटैच है, ये 1, 2, 3, 4 doors वार्डरोब्स हैं, बट इन एक एक डोर भी तकरीबन 2-2 feet का है। अब इसके अंदर बालकनी थोड़ी छोटी होगी क्योंकि नीचे 6 feet वाइड बालकनी थी, ऊपर आ गई है 4 feet रह गई है, 4 feet का भी थोड़ा सा स्पेस कम है। ये टॉप फ्लोर का थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, बट वो एडवांटेज ये है कि आपके पास टॉप फ्लोर है, आपके पास रूफ है, आपके पास वाइट्स हैं, आपके पास आगे कवरेज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके जो प्राइसिंग है, ये प्राइसिंग भी इसकी अट्रैक्शन है क्योंकि बहुत बढ़िया डिसेंट प्राइसिंग में ये प्रॉपर्टी। और मैं आपको इसका सेकंड बेडरूम दिखा रहा हूँ, वही बेडरूम है। और जैसे हमने नीचे देखा था ये सेम वैसे ही ऊपर बेडरूम है, उतना ही स्पेशियस है, पर इसमें साइजेस जो 4 बेडरूम या 3 बेडरूम में होने चाहिए ये उससे थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, बट साइज मास्टर बेडरूम का और इसका काफ़ी अच्छा है। जो इसका 3rd बेडरूम है वो थोड़ा सा स्लाइटली छोटा है, जो मैंने आपको जैसे नीचे बताया था कि वो मेरे ख्याल से 10x10 के आसपास का साइज होगा, तो वही एक दिक्कत है। ये भी बालकनी, रनिंग बालकनी है, दिखाने की जरूरत है, दिखा देता हूँ। ये भी रनिंग बालकनी है, दोनों बेडरूम के साथ ये अटैच है। ये वॉशिंग एरिया है, ये आपके साथ हैवेल्स के गीजर दिए हैं। फेज 4 के हिसाब से प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है, नो डाउट। इसका ये जो विंडो के जो कलर कॉम्बिनेशन जो पीस है ना टाइल्स का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, अट्रैक्टिव लगा। इसमें सिर्फ पूरे घर में डोर्स के अंदर आपको, हालांकि ये वुडन की डोर्स हैं, बट इसके अंदर फिनिशिंग में अगर देखा जाए तो सिर्फ पॉलिशिंग का खर्चा बचा लिया, नहीं तो इसमें सनमाइका पेस्ट है ना, आप देखेंगे काफ़ी अच्छा चिपका है सनमाइका, बट इसके ऊपर सनमाइका पेस्ट है। और ये है 3rd बेडरूम, एंट्री करते ही 10x10 का है, 10x10 का है बस, यही इसका छोटी सी
डिसएडवांटेज इसके साथ बालकनी भी नहीं है, अगर ये बालकनी भी नहीं तो भी थोड़ा सा स्पेस लगता है कि आप स्पेस में हो, स्पेस को यूटिलाइज कर रहे हो, बट नो डाउट इसमें फॉल सीलिंग टाइल्स, इस पूरे घर का जो रिव्यू है अभी मेरे को जो आ रहा है, घर में इटालियन का काम बहुत अच्छा हुआ है, मार्बल्स का, टाइल्स का काम बहुत अच्छा हुआ है, एक्सीलेंट वर्क है, ग्लास का काम काफ़ी अच्छा वर्क है, वुडन फ्लोरिंग का काम काफ़ी अच्छा वर्क है। उसके अलावा जो मुझे पूरे घर में सिर्फ एक ही जगह जो कमी लगी, दो जगह, एक बेडरूम के साइजेस का, जो ये थर्ड बेडरूम जो इसका है छोटा है, और नीचे फोर्थ बेडरूम छोटा है, और इसके वुडन के जो दरवाजे हैं उनमें सनमाइका लगाया हुआ है, इतनी प्रीमियम लोकेशन पे सनमाइका दिक्कत करता है, मुझे ऐसा लगता है। अब मैं आपको दिखा रहा था इसका किचन, ये किचन है, काफ़ी स्पेशियस है, पर अब मुझे इसकी वाइब क्यों आ रही है, क्योंकि ये जो नेचुरल लाइट पड़ रही है ना ड्राइंग के अंदर, उससे इसका और उसका इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा पड़ रहा है। मैं एक बार लाइट ऑन करके आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि ये थ्री बेडरूम के हिसाब से स्पेशियस है, काफ़ी बढ़िया है, तीन से चार लोग आराम से खड़े हो सकते हैं, और ग्रे और वाइट का अगेन कॉम्बिनेशन, टाइल्स के कलर्स के अंदर भी वही ग्रे टेक्सचर, ठीक है, वेंटिलेशन, नेचुरल लाइट आ रही है सामने से, प्रॉपर्टी की वाइब आ रही है। वाइब क्यों आ रही है, क्योंकि जो पूरे घर का काम है वो डिसेंट है, हल्का नहीं लगा मुझे, जहाँ जहाँ कमी लगी वो मैंने आपको पूरी खुल के बताई है, और ये व्यू इस पर दिक्कत है, यहाँ पे बनाओगे तो मज़ा आ जाएगा, दिक्कत क्यों है कि मेरे मन कर रहा है लेने का। चेंजेस आ जाएं और आप अदर सेक्टर्स जो 2 करोड़ 2.5 करोड़
3 करोड़ के प्राइसिंग में लेके चलते हैं, वो यहाँ पे उतने में नहीं आएगा। ये तकरीबन 2.15-2.20 के आसपास की रेंज में आपकी फाइनलाइज हो सकती है चीज़ें। और आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, और पुराने जो मेरे सब्सक्राइबर फैमिलीज हमारी बड़ी होती जा रही है, इन्वेस्ट डायरेक्ट फैमिली वो बड़ी होती जा रही है, और ऐसी ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बूस्ट करें। मैं भी चाहता हूँ आपके साथ ऐसी वीडियो लेके आता रहूँ और आपके जो प्लान्स हैं उनके अंदर मेरा कुछ योगदान रहे। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को और चैनल को ऐसे सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।